मंत्र जाप अलग बात है और नाम जाप अलग बात है। आपके गुरु ने जो आपको दिया है वो मंत्र है, वो मंत्र आप आसन पर बैठ करके करिए, शुद्ध अवस्था में करिए, सुबह सुबह करिए, पर नाम आप कभी भी जप सकते हो, कहीं भी जप सकते हो, कैसे भी जप सकते हो, नाम जपने में कोई अपराध नहीं लगता। लेकिन गुरु मंत्र के प्रति, अब हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तो ऐसा ही है, गुरु मंत्र हर जगह चलते फिरते उठते बैठते नहीं करना चाहिए, एक ही बार दिन में बैठ करके करो, जितनी माला करनी उसी समय कर लो, बाकी भगवत स्मरण, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद 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 गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, या फिर महामंत्र के रूप में भी नाम ही है, चलते फिरते उठते बैठते। बस हाँ ये है कि अपवित्र अवस्था में मत करो, वैसे तो कई जगह नियम है कि कैसे भी करो, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हो, पर कब गलती से हॉस्पिटल चले गए और वहां पे बिस्तर पे पड़े हैं, नहीं नहाए दो दिन से, वहां लेट के मर्यादा ऐसी बन गई कि आपत्ति काल है तब आप कर सकते हो, बाकी बिल्कुल स्वस्थ हो, हट्टे टगड़े हो, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हो, उसमें भी अपवित्र अवस्था में यदि जपो तो फिर यार थोड़ा तुमने ध्यान रखो कि हम थोड़ा भाव रखें वाक्य प्रति।